राम राम जी, मेरा नाम बजरंग लाल जाट है और मैं द बेस्ट एग्री सीड से हूँ। आपका क्या नाम है? राम राम सर, मेरा नाम रामकृष्ण मीणा है जी, और मैं गांव सिसलाव का रहने वाला हूँ जी। और मैंने तहसील और जिला, तहसील बोली, जिला सवाईमाधोपुर। आपके मोबाइल के नंबर 9829 जी 018303। तो मर साहब, आपने जो इस बार फॉरेस्ट बॉन्ड 009 नंबर वेराइटी लगा रखी है, तो इस वेराइटी में आपने अलग से क्या क्या खूबियाँ देखी? सर, इस वेराइटी में जो खूबी देखी है, एक तो क्या, नीचे से फुटान एक बैत के ऊपर ही है, पेड़ में नीचे से फुटान। नीचे से देख लो आप, मौके पे देख लो आप जी। और इसमें 22 से 20 दाने हैं, गली के अंदर दाणों की संख्या 20 से 22 है ना? 22। और जो 60 में 70 में, मतलब ये मान लो आप डेढ़ हाथ का लमसम इसकी लंबाई है। और मैंने एक सनाई वेज भी लगाई है, पायनियर भी लगाया है, और 007 भी लगाई है, कालिया भी लगाई है। इनमें मेरे को सबसे बेस्ट किस्म ये वाली 009 वाली। 009 वाली। तो गुरु जी, आप इस वैरायटी से पूरी तरह से संतुष्ट हो? संतुष्ट हो सर। अगली बार भी मैं इसी को बोऊंगा, ये मेरे को बहुत ही अच्छी फसल लगी। जैसे कि नीचे से इसमें फुटान भी आप देख रहे हो। हाँ, ये तो और किस्मों में जो अगली बार क्या कर दिया, ये तो मैंने बीज भी दी इसमें और भी दी, वरना मैंने इसका अलग से पेड़ भी देखा मैंने जी। तो इसमें क्या है, 270 तक फलियां हैं इसके अंदर पेड़ के, टोटल जो फुटान है उसमें। हाँ, मैंने फलियां भी गुण ली थी, 250 तो कोई सा पेड़ भी मिल जाएगी आप जी। तो गुरु जी, मतलब किसानों के लिए आपका क्या संदेश, क्या मैसेज? किसान अगर इसको बोले तो इसमें एक तो क्या है कि इस दावे के प्रति सहनशीलता है, सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी ये है पाला में, क्योंकि अभी आप फोड़ के देख लो, आप दो दो तीन तीन फलियों में आपको मिलेगा जी। और इसमें भी आप देखो, ये दावे के ये जो गड़ा पड़ा है ना जी, उसके ये सकदे हो रहे हैं, ऐसा भी छिलका सख्त है, फली का टक्कर हो रहे हैं ना जी। आप देखो, ये दाना में नुकसान नहीं है, कहीं भी उठा के देखो जी। और उसको उठा करके देखो आप, अभी फली को फोड़ करके, तो उसमें नुकसान है। कौन सी किस्म? पायनियर। और एक्शन वाले इसमें भी नुकसान है, तो पास वाले खेत में एक्शन आई वेज है, इसी के भाई साहब कुलदीप के मैंने सरसों चेक किया, इसके भी थोड़ी नुकसान है। तो आपके हिसाब से भाई साहब, आप भी सरसों की खेती से जुड़े, कैसी है आपके हिसाब से फसल? सही है, किसानों को इस किस्म को लगाना चाहिए ना, ताकि किसान भाइयों को अधिक से अधिक मुनाफा मिले। अब देख लो आप, फलियों की भी इनके पास पास में ज़्यादा वो नहीं है कि आप, मतलब ये मानते हो जो सीधी फलियाँ हैं नज़दीक लगी हुई है, ये देखी सामने। तो इसमें मैंने आपका, मतलब किसान भाइयों के लिए जो संदेश है वो क्या रहे? किसान भाई अगर इस किस्म को बोते हैं तो ये बहुत ही अच्छी किस्म है, और इसकी जो पैदावार है औरों से कम से कम एक क्विंटल के लमसम ज्यादा मिले, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ठीक है गुरु जी, आपका बहुत ये ठीक है। और इसमें जो आपने अगर बेंटोनाइट सल्फर दिया है, तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ इसकी 45 लेब चेक करा लेना इसी खेत जी सर। ये बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप लेब जो ही सरसों आया उसकी लेब करा लेना, 45 आया इसकी। गत वर्ष बोया था मैंने इसको, इस वर्ष जैसे इसको इस साल लाया हूँ। व्यापारी इसको खरीदना पसंद करेगा लेब के हिसाब से। हाँ, लेब के हिसाब से। चलो ठीक है गुरु जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।